जैसे रॉयल बेकरी है वहीं से लाते हैं आप? नहीं वहाँ से लाते सर, हमारा एड्रेस है। कितना किलो है आपके पास सॉस? कितना है? आराम से देखना, डराना मत किसी को। ये लोग कहाँ बनाते हैं? ये घर वाले आज आप बना रहे हैं? आपके क्या क्या चीजें? शुद्ध स्वीट ना, जैसे कि आपका ये बताना मुझे वो भीन वाला, क्योंकि ये देखो ये सील है, ये सील है, पर किसी का अनसील, ये बोला कैसे अनसील भेजते हैं इसको आप देखो पहली बार, उसी बार इसके सारे नाम देखो क्या हैं ये लोग, इन्होंने वो बताना मुझे हाथ पे लिखा है टॉप टॉप, ये मिस ब्रांडिंग का इसी लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसमें इन्होंने हाथ से लिखा हुआ है ना। ये बिना इनके पास सिटीजन वाले से बात की तो उसने बना दिया हमारे पास, इनके पास जी एस टी लेवल नहीं है, इनके पास बिल लेना कुछ लगता है कि कॉटन भर के स्लिप लगा के भेजें, फिर आप चेक करिए उससे क्या क्या कार्रवाई होती है। इसमें हमें जो प्राइमरी जो सूचना प्राप्त हुई तो हमने यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे सॉस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आके जब मैंने देखा कि कोई सिटीजन ब्रांड है जिसका ये सॉस बेचते हैं जो कि करीब 30 रुपए में ये एक लीटर 875 ग्राम के आसपास क्वांटिटी बेचते हैं जो कि बहुत कम प्राइस है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमारी जो फूड की टीम है और पैकेज के जो हमारी जो इंस्पेक्टर ड्रग्स हमारी जो वेट्स एंड मेजर की इंस्पेक्टर मैम, उन्होंने भी इसको देखा कि जो जिससे खरीदते हैं सिटीजन ब्रांड है कोई, उस पर जो डिक्लेरेशन होते हैं, कोई पैकेज फूड अगर होता है तो डिक्लेरेशन होते हैं, डिक्लेरेशन मतलब कि उसमें ये पता होना चाहिए कि वो उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका एड्रेस कहाँ है, जैसे उसका एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ है प्रॉपरली। उसके बाद उसमें और भी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्म्स पूरे इसमें नहीं है, इवन मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह पेन से लिखी गई है, इवन आप देखेंगे सील्ड ही नहीं है प्रोडक्ट। नॉर्मली अगर जो भी प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करके जो भी प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, जैसे कि जो सॉस हो गया जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है इनको, तो इसकी अगर खुले हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें उसकी क्वालिटी में खराबी हो ही जाएगी। तो ये आप देखते हैं जैसे कोई भी जो फूड प्रोडक्ट होता है वो प्रॉपरली सील्ड होता है, उसका ढक्कन प्रॉपरली सील्ड होता है, ये सारा ओपन है, संभावना है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो हमने इसके सारे सैंपल्स ले लिए हैं, इनके पाव के सैंपल्स लिए हैं, इनके सॉस के सैंपल्स लिए हैं, और इनके पास बिल भी नहीं है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से इसको मंगवाते हैं तो कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, घर के इंदौर से मैंने मिस ब्रांडिंग का इशू भी हो सकता है। कई बार कुछ दुकानदार ये करते हैं कि ब्रांड की बॉटल रख लेते हैं और लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को उसमें फिल करके बेचते हैं, यही पॉसिबिलिटी लगती है, तो कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। सर इंदौर से जो देने आ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? जो हाँ जो इनके इंस्पेक्टर मैम हैं उनको मैंने बोला है कि आप उसको पता करें, सूचना दें, उसको नोटिस दें कि ये बिना बिल के क्यों सप्लाई कर रहे हैं और उसकी जांच की जाएगी। सर अभी तक कितनी जांच, अभी कितनी जगह जांच की गई? अभी पहले हमने एक मिल्क शॉप पे किया था, उसके बाद ये अभी किया हुआ है, ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। सर कौन सी दुकान पे अभी है? ये नसीब बेकरी है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मतलब प्राइमर फेसी जो दिख रहा है गलत क्वालिटी का विशुद्ध जो है वो सॉस की क्वांटिटी मिली है, सारा सीज कर दिया हमने इनका सॉस, वो देखने पे लग रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है।